हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। तो क्या आप भी अपने फ़ोन में गेमिंग सीपीयू ऑन करना चाहते हो? यार, गेमिंग सीपीयू ऑन करना किसको नहीं पसंद है। मतलब छोटे से छोटे मोबाइल में गेमिंग सीपीयू ऑन हो जाए वही बड़ी बात है। अगर आपका मोबाइल 5,000 का है, 6,000 का है, 7,000 का, 8,000 का, कितना का भी है, लेकिन आपके मोबाइल में गेमिंग सीपीयू ऑन होकर रहेगा, वो कैसे? आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका गेमिंग सीपीयू ऑन होकर रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप इस वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी जान सके कि भाई मेरा इतना सस्ते से सस्ते मोबाइल में जो है गेमिंग सीपीयू ऑन हो सकता है। तो वो भी देखकर चौंक जाएंगे। और काफी से काफी ज्यादा शेयर करना दोस्तों, क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, और गूगल पे जाकर रिसर्च करना पड़ता है, फिर यूट्यूब पे रिसर्च करना पड़ता है, और एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो आपको एक लाइक करने में क्या जा रहा है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है ओमर, आप देख रहे हैं टेकॉम सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका गेमिंग सीपीयू ऑन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट सेटिंग के बारे में। फर्स्ट सेटिंग में क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में। सेटिंग में आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिल जाएगा। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन के नाम से। यहाँ पर जाना है, और जाने के बाद इसको जो है आपको बंद कर देना है, वाइब्रेट ऑन रिंग, इसको जो है आपको बंद कर देना है। इससे आपका क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप गेम खेलते हो तो भाई जैसे बिजली का तार होता है ना, वैसी मतलब मिली मिली सेकेंड में जो है बिजली आता है, यानी कि टूट टूट के बिजली आता है। तो वैसे ही आपके गेम के साथ होता है। अगर आप गेम खेलते हो तो भाई हैंग इतना करेगा कि एक बार हैंग आया फिर गया, हैंग आया फिर गया, हैंग आया फिर गया, ऐसे ऐसे होते रहता है। तो इसको आपको ऑफ कर देना है, वाइब्रेट ऑन रिंग। इससे आपका गेमिंग परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा पहले से। तो ये तो होगा दोस्तों फर्स्ट सेटिंग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकंड सेटिंग के बारे में। सेकंड सेटिंग में आपको बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा अबाउट डिवाइस के नाम से। चाहे आपके मोबाइल में अबाउट फोन भी होगा तो यहाँ पर आ जाना है, और फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो वर्जन के नाम से एक ऑप्शन देखने मिलेगा। वर्जन में जाना है, और यहाँ बिल्ड नंबर पर 7 बार क्लिक कर देना है। जैसे ही 7 बार क्लिक कर दोगे तो बैक आना है, और बैक आने के बाद ये देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग में जो है आपको डेवलपर ऑप्शन मिल सकता है, जो मैंने अभी अबाउट डिवाइस में जाकर वर्जन किया ना, बिल्ड नंबर, वो उसको करने से हमारा एक ऑप्शन जुड़ गया है जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। वो आपको एडिशनल सेटिंग में भी देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो एसिबिलिटी सेटिंग में भी चल जाइएगा, और इसमें भी नहीं मिल रहा है तो भाई आप सिंपली जाकर यहाँ पर सर्च कर देना। जैसे कि आपको एडिशनल एसिबिलिटी में भी नहीं मिल रहा है तो मैं आपको सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि देखिए डेवलपर इतना ही सर्च करोगे तो देखो डेवलपर ऑप्शन के नाम से एक ऑप्शन आ गया, इसको आपको जाना है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी ऑप्शन है जिससे आपका गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ हो सकता है। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ सेकंड सेटिंग के बारे में। सेकंड सेटिंग में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है थोड़ा सा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा लॉगर बफर साइज, इसमें जाना है, और ये आपका रहेगा 256 के पर नहीं तो 64 के पर। इसको क्या कर देना है, 4 MB पे कर देना है। इससे आपका फायदा क्या होगा आपको मैं बताता हूँ, इसको आपको करने से क्या होगा फायदा। ये तो होगा दोस्तों सेकंड सेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड सेटिंग के बारे में। थर्ड सेटिंग में थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है। ये सबसे मेन है दोस्तों, थर्ड सेटिंग अगर आप कर लेते हो तो भाई मोबाइल फास्ट भी चलेगा। देखो विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल, इसको क्या करना है, ये तीनों को जो है 0.5x पे कर देना है। अगर आप 1x पर है, 1.5x पे है, 2x पे है, इतना पे है, तो आपको क्या करना है 0.5x पे कर देना है। ऑफ बिल्कुल मत करना, अगर ऑफ कर दोगे तो भाई मोबाइल हैंग का समस्या बढ़ जाएगा। तो ये तीनों को जो है आपको 0.5x पे कर देना है। देख सकते हैं मैंने जो है तीनों को 0.5x पे किया है, तो इसको आपको कर देना है। अब थोड़ा सा तीसरा सेटिंग में एक और आपको सेटिंग करना होगा जिसका नाम है फोर्स 4x MSAA, इसको आपको ऑन कर देना है। ये ज़्यादातर हमारे गेम के लिए बनाया गया है ताकि आप इसको ऑन करके और अपना गेम परफॉर्मेंस का मजा ले सको। अगर आप इसको ऑन कर दे तो भाई गेमिंग परफॉर्मेंस जो है GB एक साथ जुड़ जाएंगे, और भाई आपको गेम खेलने में इतना मजा आएगा कि भाई क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और सबसे ज़रूरी था दोस्तों ये वाला सेटिंग जो कि मैंने आपको तीनों बताया, अगर आप इसको कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ, 0.5x पे कर लोगे ना तो 100% गारंटी देता हूँ कि आपका मोबाइल फास्ट नहीं हुआ ना तो भाई कमेंट में आकर बोलना कि भाई तुम झूठ बोल रहे थे, भाई ऐसा ही बोलना अगर आपका मोबाइल फास्ट नहीं हुआ ये दोनों तीनों से करने से।
तो ये तो हुआ दोस्तों थर्ड सेटिंग जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं फोर्थ सेटिंग के बारे में जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट सेटिंग होने वाला है, और उसके लिए जो है आपको एक ऐप की सहायता लेनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है यार, अगर आपको गेम एकदम परफॉर्मेंस खेलना है बढ़िया से, तो यार एक ऐप की सहायता लेने में क्या जा रहा है, बस एक ऐप की तो सहायता चाहिए। वो क्या होगा, उसको आपको डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, आप वहां से जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेना। तो अभी खोल लेते हैं इस ऐप को, और ऐप को खोलने के बाद ये देख सकते हैं कुछ ऐसा ऑप्शन देखने मिल गया। आपको यहाँ पर स्किप करना है, और यहाँ पर आपको जो है ऐड करने के लिए बोल रहा है आपका गेम। जैसे कि मैंने एक ऐड किया है गेम फ्रूट निंजा, जो कि मेरा बहुत ही स्मूथ चलता है, और यहाँ पर आपको एक और ऐड करना है। देखिए जैसे कि मेरा BGMI है, मैं BGMI खेलता हूँ, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ टिक पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर जो है वो BGMI जो है हमारा हो गया है। अब जो है मैं आपको बता देता हूँ एक जरूरी बात जो कि मैंने आपको दूसरा ट्रेनिंग में करने के लिए बोला था, उसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप ये फ्रूट निंजा को हटा दो, समझ रहे हो, सिर्फ एक गेम रखो वो भी ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला, मतलब ज़्यादा GB वाला। जैसे कि BGMI ये बहुत ज़्यादा इसका GB रहता है, और ये ज़्यादातर छोटे मोबाइल में नहीं चलता है, लेकिन अब आपका छोटे मोबाइल में भी चलेगा। अब इसको जो है आपको लगा लेना है, और 4 MB जो आपको किए थे ना वहाँ पर, तो 4 MB का ये मतलब होता है कि यहाँ पर अगर आप वहाँ पर 4 MB किए हो, तो यहाँ पर आप एक ही गेम रख सकते हो। अगर वहाँ पर 8 MB रखते हो, तो यहाँ पर 2 गेम रख सकते हो। 4 MB का मतलब क्या है, 4 MB रख लोगे तो यहाँ पर आपका गेम बहुत ही परफॉर्मेंस चलेगा, बढ़िया चलेगा। और अगर आप 8 MB पे रख लिए, तो आपका गेम उससे भी ज़्यादा अच्छा चलेगा, लेकिन उसमें हैंग लैग का प्रॉब्लम आता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप गेम खेलने जाओ तो सिंपली यहाँ से आप गेम मत खेलने लगा, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके गेम मैं नहीं खेलने लगा, यहाँ पर जाकर इस ऐप में जाकर और इस गेम को जो है ओपन करना, फिर आपका जो है भाई इतना स्मूथ चलेगा गेम, इतना स्मूथ कि क्या बताऊँ भाई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है। सिंपली मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर गेम डाउनलोड ऐप डाउनलोड कर लेना। तो आई होप्स कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।